हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली, वैभवशाली आर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल ऐसा वीडियोस लेके आई हूँ जो एलिमेंट्री इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। मेरा एक कैबेज ड्राइंग है यूजिंग पोस्टर कलर। जो क्रेयॉन्स कलर में आता है हमारा कैबेज ड्राइंग, वो ऑलरेडी मेरा यूट्यूब पर अपलोड है, मैं उसका लिंक आपको दे दूँगी। इसके लिए सबसे पहले हमें उसका स्केच बनाना हल्के हाथ से कैबेज। वीडियो थोड़ा बड़ा है लेकिन इसको मैंने जानबूझ के थोड़ा स्पीड कम दिया है ताकि आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आए, मतलब किस तरह से मैंने कलर किया और कौन कौन से कलर्स यूज़ किए, ये सब आपके ध्यान में आने के लिए मैंने इसको ज़्यादा स्पीड नहीं दिया है। इसके लिए वो थोड़ा बड़ा है। लास्ट तक आप देखेंगे ये वीडियो तो आपको एक कैबेज ड्राइंग बहुत ही इजी और क्या बोलते हैं अच्छा लगेगा। इस तरह से हमारा ये ड्राइंग कंप्लीट हुआ। लाइंस अच्छे से निकालना है, मतलब थोड़ा हमें आइडिया आने के लिए हमें ये लाइंस देना है ताकि हम कलर के लिए थोड़ा कहाँ कहाँ से डार्क कलर हमें लेना है, कहाँ से लाइंस खींचना है कलर की, इसका हमें अंदाजा है। इसके लिए हमें हल्के से लाइंस पहले से ही ड्रॉ कर लेनी है। ये ड्राइंग और ये जो है कैबेज ड्राइंग, मैंने थोड़ा खड़े तरीके से थोड़ा ड्राइंग निकाला ताकि वो लाइंस हमें निकालने के लिए इजी जाए। इसके लिए मैंने ड्राइंग खड़ा निकाला है। अभी हमें इसको बराबर जो सीधा है वो करेंगे क्योंकि बीच में वो दोनों लाइन आना चाहिए। और आपको मैंने कलर्स कौन कौन से तो दिखाए हैं। सबसे पहले तो हमें जो है येलो और वाइट, वाइट ज़्यादा मिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा लाइट हो गया, थोड़ा वाइट मिला के इसको पूरा हमें सेट देना है अच्छे से। पूरा एक कैबेज हमें इस कलर से कवर करना है। ये सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। इसके लिए कहीं पे भी ये वीडियो स्किप नहीं किए मत कीजिए और पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से मैंने इजीली और ये एकदम इजी ड्राइंग है। इसके लिए मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सब बताया और सेट कैसा बना ये भी आप बाजू में दिखाए हैं, किस तरह से कौन सा कलर पहले लेना है और कौन सा कलर बाद में मिक्स करना है उसमें, वो भी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। इस तरह से हमें एक जो कैबेज है पूरा कवर करना है इस सेट से। इससे क्या होता है बहुत ही इजीली आप ये कलरिंग कंप्लीट कर सकते हो। अभी हमें जो लाइट ग्रीन कलर है थोड़ा सा लेना है बाजू में, थोड़ा सा सब मैंने आप सामने दिखा है आपको मैंने कैसे लिया है थोड़ा सा कलर। बारीक ब्रश से मैंने अभी ये काम किया है, इस तरह से हल्के हाथ से लाइन खींच लेनी है। और जो है मिक्स करना है उसके लिए कलर नहीं लिया मैंने, थोड़ा पानी की उससे मैंने उसको मिक्स किया अच्छे से क्योंकि हमें लाइट चाहिए। कैबेज जो है एकदम डार्क ग्रीन नहीं है, मतलब उसका जो ओरिजिनल कलर है वो ध्यान में रख के हमें ये कलरिंग करना है। पहले कलर से लाइन खींचना और बाद में पानी की मदद से उसको हमें थोड़ा उसी कलर में मिक्स करना है। अभी क्या होता है हमने जो पहले जो सेट दिया है येलो और वाइट कलर का, उससे हमें बहुत ही इजीली ये सेट मिक्स करने को आसान होता है क्योंकि ये पहले दिया है इसलिए अभी पतला नहीं है कलर, खाली हमें थोड़ा सा ब्रश से उसको मिक्स करना है हल्के हाथ से तो ये जल्दी हो जाएगा। और उसी पहले वाला जो सेट है उससे जो ओरिजिनल कलर है वो थोड़ा तैयार हो जाता है मिक्स करने के बाद, ग्रीन कलर मिक्स करने के बाद इजीली वो लाइट हो जाता है। इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा ग्रीन कलर मिक्स करना है। और आपको अगर ये एलिमेंट्री के जो ड्राइंग्स है टेंडर कोकोनट, जो पोस्टर कलर में भी है और क्रेयॉन्स कलर में भी,
जो इंटरमीडिएट के लेटर राइटिंग्स, 2D डिजाइंस जो है वो सब मेरे यूट्यूब पे अपलोड है ऑलरेडी। अगर आप यूट्यूब पे एलिमेंट्री ड्राइंग फ्रॉम वैभव शैली आर्ट सर्च करेंगे तो सब ड्राइंग्स मेरे आपके सामने आ जाएंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना सकूँ। अभी जो है उसी ग्रीन कलर से मैंने जो हमें बीच में जो दो लाइंस निकाले थे उसी कलर से, कौन सा भी कलर उसमें मिक्स नहीं है, और हल्के ऐसे मैंने जो है लाइंस खींच लिए है। थोड़ा ये पानी के मदद से थोड़ा हमें थोड़ा थोड़ा मिक्स करना है। जैसे मैं बताती हूँ उस तरह से अगर आप स्टेप बाय स्टेप ही ड्राइंग करेंगे तो आपको एकदम ही ईजिली आपका भी ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगा। अगर एक बार में नहीं आता है तो दो तीन बार ट्राई कीजिए और जो है आपका टेंशन कैबेज का वो आपसे मन से पूरा निकल जाएगा। इसमें ज़्यादा कलर का भी यूज़ नहीं, थोड़ा थोड़ा कलर हमें मिक्स करना है, एकदम थोड़ा थोड़ा, और पानी की मदद से ही उसे मिक्स करना है, तभी वो पूरा सेट अच्छे से तैयार होगा। जहाँ पे मुझे डार्क देना चाहिए था, मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पे डार्क पोर्शन है, वहाँ पे मैंने और थोड़ा सा डार्क कलर का यूज़ किया, मतलब वही लाइट ग्रीन का ही ओरिजिनल किया कलर लिया है, उसे थोड़ा सा डार्क किया है। अभी हमारा मिडल टोन होता है, पहले तो हमने लाइट टोन दिया है उसके बाद मिडल टोन। और अगर आप ये अच्छे से क्लियरिटी अब दिखाते हो ड्राइंग में, अच्छे से डार्क मिडल लाइट और हाईलाइट दिखाते हो ड्राइंग में, तो आपका ग्रेड अच्छे से आ जाता है। इस तरह के मैंने बहुत से आपके काम के वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हैं, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उस वीडियोस का आनंद लीजिए। अभी यहाँ पे मैंने देखो ऑकर येलो लिया है, ऑकर येलो का भी उसमें सेड होता है थोड़ा सा मिक्स किया ताकि वो पूरा ओरिजिनल कलर हमारे पास तैयार हो जाए। थोड़ा सा लाइटली ऑकर येलो मिक्स किया है मैंने उसमें और पानी के मदद से उसको मिक्स किया है। इसी तरह पे मैंने आपके ऑकर येलो कहाँ कहाँ पे देना है ये यहाँ पे दिखाया है। और ज़्यादातर मैं अभी एलिमेंट्री इंटरमीडिएट का ड्राइंग अपलोड करूँगी, क्योंकि क्या है ना अभी एग्ज़ाम के पहले हमारे प्रैक्टिस होने के लिए ये वीडियोस आपके लिए डालना बहुत मुझे ज़रूरी लगता है। इसके लिए मैं आपके स्टिल लाइफ, कंपोजिशन, डिज़ाइंस, ये जो सब कुछ आपके और ज्योमेट्री के मैं वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँगी, और वो भी आसान तरीके से मैं आपको बताऊँगी कैसे ज्योमेट्री सॉल्व करना है। अभी हमें ग्रीन कलर लिया है, डार्क ग्रीन, हल्के हाथ से खाली लाइन खींचा है मैंने, अभी ज़्यादा नहीं डार्क करना है हमें कैबेज को, हल्के हाथ से डार्क पोर्शन मैंने अभी किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करने के लिए मत भूलिए,
प्लीज़ लाइक और आपके फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। इस तरह से जो है ग्रीन कलर की हमें लाइंस हल्के हल्के खींचनी, आउटलाइन ज़्यादा नहीं। अगर आपको एक ड्राइंग क्रेयॉन्स में चाहिए तो आप वो भी वीडियोस देख सकते हो, और ये पोस्टर जो भी आपको इजी लगता है वो आप उससे उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ग्रीन कलर से ही, जो डार्क ग्रीन कलर लिया मैंने उससे ये भी है आउटलाइन किया है। और एक बाजू में हमें डार्क पोर्शन दिखाना है, क्योंकि हर एक ड्राइंग में हमको ड्राइंग में डार्क, मिडल, लाइट और हाईलाइट ये सब दिखाने होते हैं। इसके लिए अभी एक बाजू में मैंने डार्क किया है उसको, कैबेज को, थोड़ा सा देख रहे हो आप। इसी तरह से सबके ऊपर ये आउटलाइन खींचने डार्क कलर की। अभी हाईलाइट का काम है, जहाँ जहाँ पे, और एक बाजू में हाईलाइट आएगा, हाईलाइट के लिए मैंने अभी ओरिजिनल व्हाइट कलर यूज़ किया है अपना, उसमें कोई भी कलर नहीं है, खाली यहाँ पे लाइन खींची है और पानी के मदद से वो बाद में मैं उसको मिक्स करूँगी। पहले तो मैंने यहाँ पे पैचेस, व्हाइट कलर के पैचेस ही लगाए हैं। थोड़ा बाजू का आवाज़ होता आता है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा घर में का आवाज़ आ रहा है वीडियोज़ में, उसके लिए थोड़ा संभल लेना। इस तरह से हमारा ये ड्राइंग कंप्लीट होता है। अभी शैडो के लिए आप लोग ज़्यादा ज़रूर नहीं, एकदम शैडो पे आप ज़्यादा ध्यान मत देना है। इजीली हल्के हाथ से हमें थोड़ी सी शैडो निकालना है, पानी की मदद से उसको फ्लो करना है। अभी मैं दिखा रही हूँ आपको, थोड़ा ब्राउन कलर लिया है मैंने पर्शियन ब्राउन कैबेज के लिए। इस तरह से हमें ब्राउन कलर, और उसमें ऑक्रेल भी मिक्स किया है मैंने उसमें थोड़ा। अभी हमें पर्शियन ब्लू से उसे लाइन खींचनी है, आउटलाइन, नीचे की आउटलाइन, और थोड़ा सा उसे हल्के हाथ से पानी की मदद से उसे मिक्स करना है। इस तरह से हमें ये शैडो मिक्स करना है। अभी ये देख सकते हो आप, मैंने आपको क्रेयॉन्स का भी जैसा वो बनाया है वो दिखाया है।